स्वागत है आपका सिने स्पीक्स में और मैं हूं दिव्यांशी। कुंडली भाग्य में निधि शौर्य के पास वापस जाती है क्योंकि उसने उसे पीछे आते देखा था और वह उसे शनाया की ओर देखते हुए दिखाई देती है। निधि तब गुस्सा हो जाती है जब वह शनाया में शौर्य की रुचि के बारे में सोचती है और उसे दृढ़तापूर्वक उसका पीछा करने के लिए कहती है, लेकिन राजवीर पलकी के पास आता है और वह शर्मा जाती है क्योंकि वह सगाई के तुरंत बाद उसे फिर से देखती है। देखते समय शौर्य को लगता है कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। दूसरे कमरे में प्रीता फर्श पर टहल रही है और वह करण की दादी के स्वास्थ्य के बारे में सोचती है और उसे फोन करने की कोशिश करती है, इसलिए वह यह पता लगाने के लिए खुद वहां जाती है कि राजवीर ने फोन का जवाब क्यों नहीं दिया। साथ ही वह सोचती है कि इस फैक्ट के बाद वह अपने बेटे की सगाई के बजाय शौर्य की सगाई में जाएगी। वहीं करण राजवीर के घर की आवाज के बारे में सोचता है और खुद से कहता है कि ये जरूर प्रीता है। कुंडली भाग्य में निधि ने आने वाला एपिसोड निधि शौर्य को अपने कमरे में खींचती है और उसे कहती है कि उसे राजवीर के लिए इतना जुनूनी होना बंद करना होगा वरना वह उसके जाल में फंस जाएगा। दूसरी ओर राखी और दूसरे लुथरा प्रोग्राम के लिए अपने घर में खुराना का स्वागत करने के लिए हॉल में मिलते हैं। दिखावटी व्यवस्था दलजीत को खुश करती है और वह राखी से कहती है कि वह उनकी शनाया सर्वश्रेष्ठ हकदार है। उसके बाद कृतिका शौर्य को समारोह के लिए तैयार करती है और दूसरे लोग संस्कार शुरू करने के लिए शनाया के आसपास इकट्ठा होते हैं, लेकिन हर कोई तब भ्रमित हो जाता है जब शौर्य शनाया की जगह पलकी के हाथ में अंगूठी पहना देता है। वह पलकी का हाथ पकड़ने के कारण परेशानी में है और वह उससे पूछती है कि ये वह क्या वह पागल है। वह उसे कहता है कि वह उससे नाराज नहीं है बल्कि उससे प्यार करता है। शौर्य ने ऐसा कहा और हर कोई हैरान रह गया। वह कहता रहता है कि वह सिर्फ पलकी से सगाई करेगा और किसी से नहीं। शौर्य की कहानी सुनकर राजवीर क्या करने वाला है? दलजीत शौर्य को अपना दामाद क्यों नहीं बनाना चाहती? क्या वह पलकी का हाथ शौर्य को दे देगी?